रमना इकोटूरिज्म पार्क इज इंडियाज़ फर्स्ट ट्री एडवेंचर पार्क। गढ़ाकोटा में स्थित यह पार्क मध्य प्रदेश के सागर जिले से 45 किलोमीटर दूर है। घने जंगलों से लगे हुए इस पार्क तक पहुंचने का रास्ता भी बेहद खूबसूरत है। अगर आपको एक बहुत ही एडवेंचरस रोड ट्रिप प्लान करनी है या फिर फैमिली के साथ लीजर ट्रिप प्लान करनी है तो रमना इज द परफेक्ट प्लेस फॉर यू। तो चलिए देखते हैं इंडिया के फर्स्ट ट्री एडवेंचर पार्क रमना इकोटूरिज्म पार्क में क्या क्या एडवेंचर है। रमना इकोटूरिज्म सेंटर की खास बात यह है कि यहाँ का बेसिक कंस्ट्रक्शन बैम्बू से किया है, जिसका अंदाजा इस विशाल गेट से ही हो जाता है। हम बढ़ते हैं आगे टिकट काउंटर की तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज हैं एंड बहुत ही मिनिमल रेट्स पर। तो चलिए अब हम करेंगे एक्सप्लोर रमना को। एक मिनट, क्या आपने ये आवाज सुनी? यहाँ पे ये पक्षियों का कलरव हमेशा ऐसा ही बना रहता है। नेचर में एडवेंचर का अपना ही सुकून है। ओके, सो लेट्स गियर अप। रमना के ये जाबाज वर्कर्स स्पेशली ट्रेन्ड हैं। दे नो हाउ टू होस्ट द पीपल एंड कीप देम सेफ। ऑल गियर्ड अप एंड लेट्स मूव टू हैव सम एडवेंचर। ट्री एडवेंचर पार्क रमना में आप बिना जमीन पे आए एक एक करके सारे रोप कोर्सेस कर सकते हैं। पहला रोप कोर्स है बर्मा ब्रिज। सेफ्टी के सारे नॉर्म्स फॉलो करते हुए आपको चलना होता है एक पतले से वायर पर। अपनी कैपेबिलिटीज चेक करने के लिए दिस इज द बेस्ट वे। एंड डन। नेक्स्ट है ज़िगज़ैग। इसको देखकर अंदाजा हो जाएगा कि एडवेंचर का लेवल अप हो रहा है। अनस्टेबल प्लैंक्स पर चढ़कर रोप के सहारे वॉक करना, शायद आपने ये कभी किया ही नहीं हो। हर जॉइंट पर रमना के ये हीरोज आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पोस्टेड रहते हैं और आपको अच्छे से मैनेज करते हैं। झूला ब्रिज। झूला तो आपने झूला होगा, पर यह झूला थोड़ा अलग है। आप खुद ही देख लीजिए। लैडर वॉक। लैडर यानी कि सीढ़ी, बट ये वो वाली सीढ़ी नहीं है। इस पर चलकर ही पता चलता है कि लैडर पर इतना एडवेंचरस हो सकता है कोई। स्टेप ब्रिज। ये देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है। इस ब्रिज को क्रॉस करना कितना थ्रिलिंग होगा। सेफ्टी की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप पुली और रोप से अटैच्ड हैं। बस एडवेंचर का मजा लीजिए। पोल वॉक। कितनी इंटरेस्टिंग एडवेंचर एक्टिविटीज हैं यहाँ। ऐसी एक्टिविटीज विद जस्ट रोप्स एंड वुडन प्लैंक्स एंड पोल्स, दिस इज सो अमेजिंग। आराम आराम से क्रॉस करके अब आप आ जाते हैं मंकी क्रॉल पे। अब आप केवल अपने रोप और पुली के सहारे हैं। अपने आप को ड्रैग करके अगले एंड तक पहुंचाना है। दिस काइंड ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज मेक अस फील लाइक द कमांडोस, इजंट इट? ट्विन रोप। धीरे धीरे करके एडवेंचर का लेवल अप लास्ट में आ रहा है। ये ट्विन रोप पर आपको साइडवेज जाना होता है, जस्ट वॉकिंग ऑन द रोप विद द सपोर्ट फ्रॉम द अबव रोप। हूफ, मिशन कंप्लीटेड। Wait. There's still something left. Ziplining. What is an adventure without ziplining? तो ये थे एडल्ट एडवेंचर जोन की एक्टिविटीज। जब तक आपके फ्रेंड्स यहाँ पर एक्टिविटीज कर रहे होंगे, आप यहाँ पर बाइसिकल से पूरे पार्क का छोटा सा टूर कर सकते हैं या फिर ट्री हाउस पर इस फॉरेस्ट की ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बैम्बू हट्स में बैठकर बर्ड्स की आवाज को सुनते हुए यू विल गेट अ वेरी पीसफुल एक्सपीरियंस। पास में ही 1944 में बना रेस्ट हाउस भी है, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। देयर इज आल्सो अ ट्रैम्पोलिन सेटअप फॉर लिटिल किड्स to have a fun-filled time. The place is filled with adventure, even for the kids. Welcome to Children Adventure Zone. बच्चों को gear up करने के लिए ये heroes खास ख्याल रखते हैं. Burma Bridge is the first rope course for kids. Height and distance is well managed to make sure the children are safe and it is not so difficult for them. Goal walk. Goal walk में wooden planks,
रोप से अटैच्ड होते हैं और पुली के सहारे बच्चों को इसे क्रॉस करना होता है। दिस इज रियली गुड टू ड्राइव आउट द फियर फ्रॉम द किड्स एट देयर अर्ली एज। नेक्स्ट अप इज क्रॉसवॉक। क्रॉसवॉक में वुडन प्लैंक्स क्रॉस के शेप में होते हैं एंड यू गेट मिनिमम ग्राउंड फॉर योर फीट विच मेक्स इट एडवेंचरस। सो फाइनली एडवेंचर पार्क की एक्टिविटीज आर डन, बट आपका एक्सप्लोरेशन खत्म नहीं होना चाहिए। रमना इको टूरिज्म पार्क में 200 साल पुराना एक रुइंड शूटिंग टावर भी है जिसके अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं। बीच जंगल में एक पौराणिक किला, कितना अद्भुत नजारा है। बस यही नहीं, पास में ही एक बावड़ी भी है। इमेजिन अ स्टेपवेल इन द मिडल ऑफ अ फॉरेस्ट, हाउ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग इट मस्ट बी। रमना से 1 किलोमीटर दूर है एक खूबसूरत सा लेक। सागौन के प्लांटेशन से होते हुए जब आप इस लेक तक पहुंचते हैं, द व्यू यू गेट इज रियली अमेजिंग। सो दैट वॉज अ टूर ऑफ द रमना इको टूरिज्म पार्क। दिस पार्क इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर पार्क। यू मस्ट कम एक्सपीरियंस एंड देन टेल द टेल्स ऑफ योर अमेजिंग टाइम एट रमना।